पॉसिबल सबके पास है क्या? यस सर। यस सर। ऐसा कोई है क्या जिसके पास लॉकेबल नहीं है? अगर ऐसा कोई है जिसके पास लॉकेबल नहीं है तो उसने हैंड रेस करो या फिर मैसेज डाल दो कि आई डोंट हैव लॉकेबल। सबके पास है क्या? सबके पास लॉग है? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा। ओके क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा आंसर। ओके ओके प्रज्योत। हाँ देन नेक्स्ट और कौन कौन है जिनके पास लॉक टेबल नहीं है? क्षितिज भवर। ओके देन नेक्स्ट बस यही दो है क्या? तो फिर इन दो को छोड़कर मैं क्वेश्चन पूछूंगा किसी से भी। ओके उसे नहीं आंसर देना है। ओके जिनके पास है उन्हें नहीं पूछा है मैंने मैसेज डालने के लिए, जिनके पास नहीं है वो मैसेज डालो। ठीक है तो फिर चलो स्क्वायर के एक और एक दो एग्जांपल देखेंगे। श्रेयस पाटिल, जिनके पास नहीं है उनको मैंने मैसेज डालने को बोला है। ओके चलो कोई भी आंसर नहीं डालेगा जब तक मैं पूछूंगा नहीं, तब तक कोई भी आंसर नहीं डालेगा। ओके चलो इसका स्क्वायर फाइंड करना है 3.59 का। ओके अब मैं जिसका नाम लूंगा वही आंसर बताएगा। ओके 3.59। ओके प्रद्युम्न सायंबर। ओके प्रद्युम सायंबर इसका आंसर बताएंगे। ओके 3.59 का स्क्वायर क्या आता है? ओके प्रद्युम सायंबर। ओके वही आंसर बताएंगे। अब चलो प्रद्युम एडमिट करो अपने साइड से और आंसर बताओ इसका क्विक फास्ट। प्रद्युम प्रद्युम चलो आपको आंसर बताना है इसका। प्रद्युम क्या आप सुन पा रहे हो क्या? प्रद्युम आप सुन पा रहे हो क्या? चलो प्रद्युम आंसर बताओ जल्दी। ओके देन नेक्स्ट वेदांत। वेदांत वेदांत चलो आंसर बताओ।
वेदांत है क्या, सुन रहा है क्या? देन नेक्स्ट आदित्य धामरे, चलो आदित्य आंसर बताओ इसका। 1 2 8 8 8 1 इंटू 10^4 1 2 8 8 8 1 8 1 into 10^4 ओके। बाकी स्टूडेंट कंफर्म करो सही है या फिर गलत है। सर -4 आएगा, -4 ओके गुड ओके। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेंगे। चलो इसका भी आंसर जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा ओके। 252 का स्क्वायर बताना है, बहुत ही सिंपल है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा ओके। हेलो सर, पॉइंट है क्या? नहीं पॉइंट नहीं इसके अंदर। प्रज्योत, प्रज्योत दोपहर गुड़े, चलो आंसर बताओ। शायद आपके पास लॉक टेबल नहीं, आपने बता दिया था शायद, मुझे लग रहा है। जस्ट एक बार कंफर्म करता हूँ मैं ओके। आपके पास लॉक टेबल नहीं है ना? ओके कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट देखता हूँ मैं। रोशन, रोशन चलो 252 का आंसर बताओ। चलो क्या है? 63504 ओके, 63504 गुड ओके। देन नेक्स्ट नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे आखिरी का स्क्वायर के लिए। चलो अब इसका मैं जिसे पूछूंगा वही आंसर देगा ओके। 12.56 का स्क्वायर फाइंड करना है ओके। 12 पॉइंट है यहाँ, 12 पॉइंट। एक बार फिर से मैं बड़े नंबर्स में राइट कर देता हूँ। चलो 12.56 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका भी आंसर मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा ओके। चंद्रशेखर रेवनकर, चलो आंसर बताओ। चंद्रशेखर रेवनकर 12.56 का आंसर बताना है आपको इसका। चलो 15625 × 10^-4 15625 × 10^-4 आप कोई भी बीच में नहीं बोलेगा ओके। एक बार फिर से कंफर्म कर लो। 15625 × 10^-4 ओके। बड़े नंबर्स में मैं इसे राइट करता हूँ। 15625 × 10^-4 ओके। हाँ चलो यही है क्या? एक बार फिर से कंफर्म कर लो चंद्रशेखर। यस सर। ओके देन नेक्स्ट
ओके नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे. जीरो पॉइंट फोर वन फोर इसका स्क्वायर बताना है. ओके फिर से कंडीशन वही रहेगी, जिसे पूछूंगा वही बताएगा. 0.414 होल ब्रैकेट स्क्वायर. दानिश पाटिल चलो आंसर बताओ इसका. दानिश पाटिल 0.414. दानिश पाटिल दानिश पाटिल सुन रहे हो क्या? दानिश पाटिल आपको आंसर बताना है इसका. ओके देन नेक्स्ट लवंगारे कौन है? लवंगारे आप आंसर बताओ चलो. लवंगारे आंसर बताओ. ओम अंधालकर ओम ओम अंधालकर चलो आंसर बताओ. ओम क्या सुन पा रहे हो क्या? कुछ तो रिप्ले दो बताता हूँ. वन मिनट टू मिनट्स. ओम अंधालकर देन नेक्स्ट वेदांत रोशन चलो आप में से कोई भी बता दो. वेदांत रोशन ओके वो आपके पास लॉक केवल नहीं है. ओके तो पहले मैंने आपसे पूछा था. ओके तब अगर आपने बता दिया होता तो शायद मैं आपका नाम ही नहीं लेता. ओके चलो नेक्स्ट रोशन वेदांत चलो बताओ आप दोनों में से कोई भी आंसर. एक रोशन एंड वेदांत ओके देन नेक्स्ट चलो एल रॉय आप बताओ आंसर. चलो एल रॉय चलो आप बताओ आंसर. 0.171396 × 10⁴. ओके क्लियर है क्या? 0.171396 रॉन्ग है सर. अगर 0 पॉइंट लगा तो 10⁻⁴ नहीं आएगा. रॉन्ग है सर. वो 10⁻⁶ पावर आता है यार. हां सर 171396 × 10⁻⁶. हां इनटू 10⁻⁶ सर. फिर से बोलो सर. नंबर सेम है बस 10⁻⁶ पावर लगेगा. 10⁻⁶ लगेगा ना. हाँ, 0.0 नहीं रहेगा. यस सर 0 पॉइंट कुछ नहीं है सर. 10⁻⁶ अगर 10⁻⁶ निकाल देते हो तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? 0.171396 आएगा. ओके तो ऐसे स्मॉल मिस्टेक नहीं करने एल रहा है. ओके अगली बार ध्यान रखना. ओके तो चलो सर आप फोर डिजिट का एक बार. स्क्वायर एक्सप्लेन कर बोलो ना. आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ बोलो. फोर डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए. ओके फोर डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है. ओके कोई बात नहीं. ओके
एक एग्जांपल उसका भी ले लेंगे हम, 48 का स्क्वायर कैसे निकालना है. ओके सो देखो बेसिकली 48 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स है. ओके उनमें से 2 मेथड मैंने आपको बता दिए है. ओके तो चलो 48 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है उसके लिए 3 मेथड है, जो कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे सर तीनों मेथड वापस रिपीट कर दो ना एक बार. हाँ 3159. ओके 3159 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है. ओके तो चलो सबसे पहला मेथड हम देखेंगे 3159 किसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है. सबसे पहले आप इसका स्क्वायर फाइंड करने हैं क्या है 3159 मल्टीप्लाई बाय 3159 है. ओके यहाँ क्या आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके सो इसलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. ओके तो सबसे पहले आप क्या करोगे लॉग ऑफ 3159 फाइंड करो. ओके देन नेक्स्ट अगेन उसके साथ हमें ऐड करना है लॉग ऑफ 3151. ओके तो चलो 3159 इसका लॉग फाइंड करो क्या आता है बताओ जल्दी से. चलो 3159 का लॉग बताओ. सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है इन दोनों के बीच 3 पॉइंट आएगी दोनों का सेम आएगा कैरेक्टरिस्टिक. चलो 3159 का 31 का 519 में लॉग बताओ चलो जल्दी. 31 का 519 में लॉग बताओ चलो. 3.4995. 3.4. Double 99. Okay, clear है क्या यही आता है क्या सभी का? Yes sir. Okay. Then next उसके बाद आपको क्या करना है अभी से add करना है. Okay, so 5+5 क्या हो जाएगा 10. Again carry one 9+9 18+1 19 again carry one. Again 19 आएगा again carry one 4+4 8+1 9 हो जाएगा. 0.3+3 6 हो जाएगा. तो चलो अब इसका आपको क्या करना है इसका आपको एंटीलॉक फाइंड करना है. ओके तो चलो 6.990 है सो आपको 99 का 90 में एंटीलॉक देखना है. ओके सो 0.99 का आपको 90 में एंटीलॉक देखना है. सो इसका एंटीलॉक क्या आता है बताओ चलो. 99 का 9 में एंटीलॉक क्या आता है जल्दी बताओ. ओके देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है डेसिमल पॉइंट देना है. तो यहाँ पर क्या है 6 है सो 6+1 करो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा. यानी आपको 78 का डेसिमल पॉइंट देना है यानी 48 आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू 10^3 हो जाएगा. ओके सो चलो एक मेथड हो गया. देन नेक्स्ट एक और मेथड देखेंगे. अभी जो 48 का नंबर है इसे आप कन्वर्ट करो किसके अंदर कन्वर्ट करोगे 2 digit के नंबर कन्वर्ट करो यानी क्या हो जाएगा 3159 है. सो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 31.59 इनटू 10^2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो अब आपके यहाँ पर क्या हो गया आपने क्या क्या ये जो डिजिट यहाँ पर था उसे आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया. लेफ्ट साइड में अगर आप शिफ्ट करते तो आपको क्या करना पड़ेगा 10^2 ऐड करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या हो गया 31.59 इंटू 10^2 हो गया. सो आप सिंपल सी बात है आपको क्या करना है 31 का 5 में क्या करना है आपको स्क्वायर देखना है. सो स्क्वायर टेबल निकालो. स्क्वायर टेबल के अंदर क्या वैल्यू आती है बस देखो 31 का 5 के अंदर स्क्वायर टेबल. ओके स्क्वायर टेबल के अंदर 31 का 5 के अंदर क्या वैल्यू आता है बताओ जल्दी से. 9999 9 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
आपको क्या करना है, 10 रेस टू पावर 2 है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, सो इंटू 10 रेस टू पावर 4 हो जाएगा. ओके अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट देना है, पॉइंट कहाँ पर दोगे आप, यहाँ पर दोगे. ओके सो 9 92.25 इंटू 10 रेस टू 4 हो जाएगा. ओके तो आपका आंसर आता है जो कि लगभग सेम ही आता है. ओके दोनों तरफ. ओके सर बोलो सर, पॉइंट का कैसे देने का सर? हाँ बोलो ना, पॉइंट कैसे कैसे पता चलेगा कहाँ देने का?
पॉइंट कहाँ पर देना है, इसके अंदर पॉइंट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड से टू डिजिट के बाद है लेफ्ट साइड से, तो हमारा आंसर क्या है 99225 है, तो लेफ्ट साइड से भी टू डिजिट के बाद ही हम यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, समझ रहे हो बात को। अब देखो ये ये दोनों इक्वल कैसे हो जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ओके तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 9977 into 10 raise to power 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9977 इसके ऊपर क्या हो जाएंगे 30 ऐड हो जाएंगे, तो 30 यहाँ पर ऐड हो गए। ओके देन नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पर है। ओके तो यहाँ पर देखो 99225 है। ओके अब यहाँ पर देखो क्या है 225 है into 10 raise to power 4 है, अब यहाँ पर पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, सो यहाँ पर क्या रहेगा into 10 raise to power 2 रहेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 20 ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है 7 डिजिट में आता है क्या, 7 डिजिट में आता है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है 7 डिजिट में आता है क्या, 7 डिजिट में ही आता है। ओके सर दोनों आंसर्स में 10 की पावर का फर्क क्यों आ रहा है? देखो 10 की पावर का फर्क आ रहा है बट हमारा नंबर ऑफ डिजिट क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है ना, नंबर ऑफ डिजिट सेम ही आ रहा है। अब दोनों आंसर में यहाँ पर क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एंटी लॉग लिया है। अब एंटी लॉग का रूल क्या रहता है, एंटी लॉग के अंदर हम जो नंबर फाइंड कर सकते हैं ओके वो मैक्सिमम हम 4 डिजिट तक फाइंड कर सकते हो। ओके सो यहाँ पर देखो 4 डिजिट हमें मैक्सिमम मिल चुका है, देन उसके बाद का जो हम 10 रेस टू पावर में लेते हैं, बट यहाँ पर अगर स्क्वायर का अगर आप देखते हो तो स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर के अंदर आपको क्या है 3 डिजिट तक आपको स्क्वायर दिया हुआ है। ओके यहाँ की आपका 1 डिजिट का प्रॉब्लम रहता है, सो उसके लिए 3 डिजिट का कोई भी 3 डिजिट हो उसका स्क्वायर आपको कितने डिजिट में मिलेगा 6 डिजिट में ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर 10 रेस टू पावर में डिफरेंस आता है। ओके क्लियर है क्या? हेलो सर। हाँ बोलो सर, इन दोनों मेथड में से सबसे अप्रोक्स मेथड कौन सा है? सबसे अप्रोक्स मेथड जो है वो आप इसे यूज करो। ओके लॉग वाला क्या सर? हाँ ये करो या फिर ये भी किया, दोनों भी किए तो भी चलेंगे। ओके अगर आपको अप्रोक्सीमेटली अगर आपको आंसर चाहिए सब यहाँ के सबसे नजदीक वाला आंसर तो आपको ये आएगा। ओके अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, ये क्यों आएगा अप्रोक्सीमेटली क्योंकि इसका जो स्क्वायर है आपको 3 डिजिट तक ऑलरेडी गिवन रहता है। ओके तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर 6 डिजिट तक आपका लगभग सेम आएगा, इसके अंदर आपको आंसर कहाँ तक मिलेगा 4 डिजिट तक मिलेगा, 4 डिजिट तक वो भी राउंड फिगर किया हुआ रहेगा। ओके बट इसके अंदर आपको 6 डिजिट तक अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल जाता है। ओके तो इसे आप प्रूव कर लीजिएगा 359 सर हमको। हाँ बोलो, हमको 31 का 5 में देखना पड़ेगा, 9 में नहीं देखना है। नहीं 9 में कैसे देखेंगे, वो अपन मीन डिफरेंस का कॉलम ही नहीं दिया है स्क्वायर के लिए। हां ठीक है सर, तो 315 तक ही आपको देखना पड़ेगा एप्रोक्सीमेटली। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा। ओके इसे सर 9 क्या करना, 9 का यहां पर उसका आंसर आता नहीं है, 9 सिर्फ वो आप शो के लिए दिया है। ओके 9 का कोई भी काम नहीं, कोई भी यूज नहीं आता वहां पर। ओके कैलकुलेटर के ऊपर क्या आता है 99792 आता है क्या, 9979281 ओके तो ठीक है लगभग सेम ही आता है। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके आगे का जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट है। ओके स्क्वायर रूट के लिए आपका जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल के अंदर आपको दो टेबल दिए स्क्वायर रूट के लिए। ओके तो सबसे पहला स्क्वायर रूट के लिए टेबल दिया, जिनके पास लॉग टेबल है लॉग टेबल ओपन करो। स्क्वायर रूट आपको दिया है फ्रॉम 1 to 10 दिया है। ओके यहाँ पर देखो 1 to 10 दिया आपको स्क्वायर रूट। ओके स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10 ओके एंड देन नेक्स्ट फिर आपको दिया है स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100 ओके देन नेक्स्ट आपको दिया स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100 ओके सो 1 to 10 एंड 10 to 100 ये जो दोनों भी स्क्वायर टेबल है स्क्वायर रूट के जो टेबल से वो हम कल के लेक्चर में खत्म कर देंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद आपका पार्ट रहता है पावर्स एंड फैक्टोरियल्स एंड देन नेक्स्ट रेसिप्रोकल्स, वो दोनों भी हम एक दिन में खत्म कर देंगे यानी कि मैक्सिमम कल एंड परसों। ओके दो दिन में ये लॉग टेबल आपका फिनिश हो जाएगा। ओके लॉग टेबल फिनिश होने के बाद 2 दिन में फिनिश कर देंगे, उसके बाद एक दिन इसकी पूरी रिविजन देंगे लॉग टेबल की स्टार्ट से लेकर आखिर तक हमने क्या क्या देखा यानी कि लॉगरिथम्स के टेबल से लेकर लास्ट के रेसिप्रोकल तक हम एक दिन में रिविजन दे देंगे, उसके 2-4 दिन बाद हम इसकी टेस्ट ले लेंगे। ओके यानी कि मैक्सिमम अब आपका लॉग टेबल कितने दिनों तक बाकी है, कल परसों 2 दिन और 1 दिन रिविजन हो यानी कि 3 दिन में मैक्सिमम में खत्म हो जाएगा लॉग टेबल। ओके उसके बाद हम हमारा फिजिक्स का सिलेबस यानी कि स्केलर्स एंड वेक्टर जो कि
पॉज है हमारे बीच में, उसे हम रिस्टार्ट कर देंगे। ओके सर, एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लेते सर, साइड हो जाओ थोड़ा। सर होमवर्क, होमवर्क दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। होमवर्क भी दे रहा हूँ, होमवर्क के साथ एक और बात भी आप सभी को बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दो। ओके, कल आपका लेक्चर शार्प 6 o'clock स्टार्ट हो जाएगा। दो दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था कल और आज। ओके, कल और आज हमारा थोड़ा सा 10 minutes डिले हुआ था, बट कल से ऐसा नहीं होगा। कल से आप सभी को 6 o'clock ही ज्वाइन होना है। आप हुए भी होंगे आज और कल। ओके, दो दिन आप हुए भी होंगे, बट थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था। ओके, बट कल से आपको 6 o'clock ज्वाइन होना है। 6 o'clock को हमारा लेक्चर स्टार्ट होना चाहिए। ओके, हर रोज हमारा 10 minutes डिले हुआ था दो दिन पिछले, बट कल से ऐसा नहीं होगा। कल सबको आपको 6 o'clock ही ज्वाइन होना है। ओके, शार्प 6 को आपका कल लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? रफ कर दूं क्या इसे? चलो कुछ होमवर्क दे देते हो आपको आज के लिए। हेलो सर। पॉइंट हाईलाइट करो ना। पॉइंट हाईलाइट करता हूँ मैं। ओके, चलो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सभी को होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे मेल करना है या फिर व्हाट्सएप कर दो। ओके, और एक और बात, कल से आपको सभी को 6 o'clock ज्वाइन होना है।
कल से हमारा लेक्चर 6 o'clock स्टार्ट होना चाहिए. ओके वेट कीजिए सभी, कहीं जाना मत आप लोग. आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ सेकंड सेशन की. हाँ सर अटेंडेंस, सर अटेंडेंस ले रहे, कोई भी जाएगा नहीं. ओके अटेंडेंस दिए बिना. और होमवर्क मुझे सेंड करना है. ओके नहीं तो आज जैसे मैंने नाम लिए थे वैसे कल के लेक्चर में भी नाम लूंगा मैं. ओके और जिनके पास लॉक टेबल नहीं वो खरीद लो मार्केट में जाकर, सिर्फ 30 rupees को मिलता है. ओके पूरा लॉक सीरीज हमारा खत्म होने का है लेकिन अब तक आपने लॉक टेबल नहीं लिया. इस अटेंडेंस में आपको आपको होमवर्क मिल जाएगा. ओके और ये जो लॉक टेबल है, लॉक टेबल आपको 12 के बोर्ड एग्जाम तक आपको यूज करना पड़ता है, सीईटी तक आपको ये यूज करना पड़ता है, जेडब्ल्यू में भी यूज करना पड़ता है, एनडीए के एग्जाम में भी आपको यूज करना पड़ेगा. इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं आपको हर रोज की लॉक टेबल खरीद लो खरीद लो. एक लॉक टेबल आपको 2 साल तक यूज करना पड़ता है. सर कितने 25 थे कि 24 थे आज क्या सर? हाँ आज के लेक्चर में सर 26 थे. 26 कोई तो एक है जो कि हो चुका है मिस्टर इंडिया बन चुका है वो.